बच्चा लोग कैसे हो। सभी को पर्वों में सर्वोपरि गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मैं कब्र में दफन उन वीर शहीदों की आत्माओं को भी सत नमन करता हूँ जिन्होंने देश की रक्षा के प्रति अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं भारत के हर एक नौजवान को नमन करता हूँ जो देश की रक्षा के प्रति सदैव तत्पर रहते हैं। देखिए, देश की रक्षा करने की जब बात आती है तो सीमा पर खड़े होकर सीना चौड़ा करके बंदूक लेकर के ही देश की रक्षा नहीं होती है। हम लोग इन भारत की सीमाओं के अंदर रहकर भी देश की रक्षा कर सकते हैं। जैसे कि समाज में बहुत सारी हो रही कुरीतियों बुराइयों को हम लोग समाज से अगर दूर करें, एक अच्छे समाज का निर्माण करें, तब भी हम लोग देश की सेवा कर सकते हैं। भारत विश्व का एक इकलौता ऐसा देश है दोस्तों जिसको माँ कह के संबोधित किया जाता है। इसी माँ के चरणों से एक मुट्ठी में मिट्टी भरी और आज़ाद ने एक सौगंध ली, एक कसम खाई कि अंग्रेजी हुकूमत में ऐसी कोई ईंट नहीं बनी जो अंग्रेजी हुकूमत में ऐसी कोई ईंट नहीं बनी जो आज़ाद को कैद करके रख सके। अंग्रेजी हुकूमत में ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो आज़ाद का सीना चीर सके। आज़ाद आज़ाद जिया है और आज़ाद ही मरेगा। तब मैं दो लाइनें बोलना चाहता हूँ उनके लिए कि छोटी सी उम्र में वो कर गए बड़े काम, कि छोटी सी उम्र में वो कर गए बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, और जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य हुई, सबरी जटायु यानी साध जैसी जिंदगी, और डायरे के सीने में उतार गोली उधम सिंह, सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी, और जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। आज हमारे देश के जो भी सैनिक सीमा पर खड़े हुए हैं जिनकी वजह से आज हम सभी लोग सुरक्षित हैं, उनको एक लाइन समर्पित है कि वतन की आन जिंदा है, वतन की मान जिंदा है, वतन की आन जिंदा है, वतन की मान जिंदा है, इन्हीं के शौर्य से माँ भारती की शान जिंदा है, लगाकर जान की बाजी खड़े जा बाज सरहद पर, इन्हीं रणबांकुरों के दम पे हिंदुस्तान जिंदा है। सभी लोगों को पुनः एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।